से वो सप्लाई भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है, बस रेट बढ़ रहा है। लेकिन इस टाइम ब्लैकमेलिंग चल रही है कि माफिया सरगना जिस तरह चीनी के गोदामों पे और ये आटे के गोदामों पे जिस तरह छापे मारते हैं, इस तरह सोलर के गोदाम भी हैं बहुत सारे गुलबई के ऊपर। मैं तो एड्रेस भी बता रहा हूँ, बहुत सारे गोदाम है गुलबई के ऊपर। तो यहाँ पे भी जाए तो यहाँ पे भी बात करें, उनकी इनवाइस चेक करें कि इनकी डेट ऑफ इम्पोर्ट क्या थी, इन्होंने मंगाया किस दिन माल है और अब तक बेचा क्यों नहीं, तो इसका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देख तो हम रिटेलर भी जो है समझ लेंगे उनके हाथों यार माल है और जो कंज्यूमर है वो भी बेच रहे हैं, रखे हुए माल पे खुद पैसे बढ़ जाते हैं, उन्होंने बेचना ही नहीं है। रेगुलर हमारे आने वाले कस्टमर बहुत नाराज हैं कि यार ये रेटों को क्या हो गया, पैनलों पे इस टाइम 2,500 रुपए का इजाफा हुआ ना, कि सोलर इंडस्ट्री भी बंद हो जाए, एनर्जी क्राइसिस दूर कैसे होगा सिस्टम में, आपके पास तो बिजली है नहीं। ख्वाहिश और गुजारिश यही है कि माल को हमारे रिलीज किया जाए, आप हमारा माल छोड़ेंगे तो ये एनर्जी क्राइसिस दूर होगा, ये एक्शन लेंगे तो पब्लिक को कुछ रिलीफ मिल जाएगा। जिस तरह चीनी के गोदामों पे आप लोग छापा मारते हैं, जिस तरह आटे के गोदामों पे मारते हैं, इन गोदामों पे भी छापे मारे, उनकी इनवाइस चेक करें, इन्होंने माल मंगाया कब था, जून जुलाई अगस्त की इनवाइस है, माल क्लियर हुआ हुआ है, वो नहीं बेच रहे। 60 रुपए 70 रुपए 72 रुपए पर वाट का माल लिया हुआ लोग आज 85 रुपए पर वाट बेच रहे ना, मतलब प्रॉफिट का कोई दायरा कार भी है कि नहीं है। हुकूमत ही अगर कोई रिलीफ दे दे वहां से माल छोड़े तो कुछ इम्पोर्टर्स का दिमाग ठीक हो जाए, उसने माल खरीद लिया, उसने उससे खरीद लिया, लोग आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और के काम में एक जुआ शुरू हो गया, मार्केट की कोई रियलिटी नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। एक दिन खबर आती है जी एकदम 68 रुपए हो जाएगा, ज्यादा माल मत रखना, एक दिन खबर आती है जी 150 रुपए पर वाट हो जाएगा, भर लो। असलम दिवस कैसे आप लोग, पंजाब से हो रहे फिर मैं आपकी तरफ में हाजिर हूँ एक और न्यूज के साथ। आज मैं मौजूद हूँ सोलर पैनल की शॉप पे, और जिस तरह मेरे कमेंट्स लोगों के आ रहे थे कि सोलर माफिया है, तो ये रिटेलर भी आज कहने पे मजबूर हो गए हैं कि सोलर माफिया है और वो आगे से माल लेके आते हैं और स्टोर करते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादातर इनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हालात अभी देखें किस तरफ जाते हैं, तो माल इंशाल्लाह कल सुना है कि कुछ रिलीफ मिलेगा, हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि माल रिलीज हो आए तो सस्ता कंज्यूमर को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यकीन करें कि बिल्कुल इस टाइम समझ लें कि अब ये काम जो है ना समझ लें, जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया सोलर का, जाहिर सी बात है ना लोगों को ज़्यादा पहले कितनी अवेयरनेस थी, तो अब समझ लें कि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े इम्पोर्टर, बहुत बड़े बड़े लोग इस काम में अब बीच में आ गए। आप यकीन करें कि हम रिटेलर और कंज्यूमर, तो हम रिटेलर भी जो है समझ लें कि उनके हाथों यार कमाल हैं और जो कंज्यूमर है वो भी, क्योंकि रेट का थोड़ा सा इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग नाराज़ हैं। रेगुलर हमारे आने वाले कस्टमर बहुत नाराज़ हैं कि यार ये रेटों को क्या हो गया, ये क्या चीज़ हो गई, मतलब एक तो वैसी बिजली महंगी है, बिल की कॉस्ट में अगर कोई मूड बना के यहाँ आता भी है तो भी पोजीशन ख़राब हो जाती है। तो अभी हालिया पोजीशन में जो रेट है अभी वो 85 से शुरू होकर 89 पे बंद हो रहे हैं, तो अब आगे क्या होना है, मैंने पहले तो आपकी वीडियोज़ में मैं अंदाजन बता दिया करता था कि आगे कुछ इस तरह का हो जाएगा, लेकिन आप यकीन करें एब नॉर्मल पोजीशन है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, बिजली का शॉर्टफॉल तो है वो तो नज़र आ ही रहा है, अच्छा गैस तो है ही नहीं गैस तो देखें है नहीं, तो अब हम लोग किस तरफ जाके खड़े होते हैं। अब ये जो छोटा पैनल मैंने आपको ये जो दिखाया है अभी 14,000 रुपये का, अगर आप अपनी लास्ट वीडियो में देखें तो ये 12,500 रुपये का पैनल है, मैंने आपको उसके अंदर बताया है उस वीडियो में कि 12,500 रुपये का है। तो छोटे पैनलों पर इस टाइम 2,500 रुपये का इजाफा हुआ छोटे पैनल्स के ऊपर, तो बड़े के ऊपर समझ लें तकरीबन 5100-5200 रुपए का बड़े पैनल पे इजाफा हुआ है, और इन्वर्टर का तो पूछे ही मत, तकरीबन 50-50-40-40 हज़ार रुपये बढ़ गए। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा, तो एक खुश आइन बात ये है जो कल परसों सुनने में आई वो यही है कि अगर शायद हुकूमत कुछ जो है वो कुछ इसके ऊपर जो है इसके ऊपर कुछ रिलीफ देने वाली है, कब उनका कुछ सोच विचार ऐसा चल रहा है कि कुछ माल इन लोगों का छोड़ दिया जाए, तो इस तरह से कुछ सारी ये है। तो गुजारिश यही है कि अगर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, वरना जाहिर सी बात है देखें बहुत सारी आपने खबरें हम लोग सुनी रहे हैं कि टेक्सटाइल बंद हो गई, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, सुजुकी बंद हो गई, टोयोटा बंद हो गई, जो खबरों में आ रहा है, मैं खुद तो साफ़ी तो हूँ नहीं, मैं भी जो देखता हूँ खबरों में वो बता रहा हूँ आपको जो व्हाट्सअप के थ्रू आता है, तो अब उसमें सदाकत क्या है ये मुझे नहीं मालूम, तो लेकिन सुना है कि ऐसा हुआ है। तो ऐसा ना हो ना कि सोलर इंडस्ट्री भी बंद हो जाए, जब माल ही नहीं आ रहा पीछे से तो एक गैस तो वैसे भी नहीं है और हम लोग भी बंद हो जाएँ खुदा ना खास्ता, तो ऐसा कुछ ना हो जाए हम इस नहज पर ना चले जाए। तो थोड़ा सा अगर एनर्जी क्राइसिस है तो ठीक है, दुनिया के आइटम आपने रोके हुए हैं तो बाकी सबके क्या मामले आते हैं, तो फूड है, फूड इंडस्ट्री का सुना है आइटम रुका हुआ है, ये सारी चीज़ें तो ये उनको भी छोड़ना चाहिए, सबको ही छोड़ना चाहिए, लेकिन अब ठीक है मुल्क के हालात भी ऐसे चल रहे हैं, एलसीओ के मामले हैं, लेकिन कम से कम अगर एनर्जी क्राइसिस इस तरह ये देखिए 8 बजे आपने सुना होगा पिछले दिनों जी 8 बजे दुकानों का बंद होने का सिलसिला हो रहा है, 10 बजे होटलों का सिलसिले का शादी हॉलों का हो रहा है, होटलों का 11 बजे का सुना था या 10 बजे का सुना था, क्यों हुआ ये फैसला, इसका रीज़न क्या है, एनर्जी क्राइसिस है ना,
एनर्जी क्राइसिस की वजह से, कोई कोरोना तो है नहीं खुदा ना खास्ता, ना कोई और वबा नहीं आ गई, सिर्फ एनर्जी क्राइसिस है जिसकी वजह से। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस दूर कैसे होगा सिस्टम में, आपके पास तो बिजली है नहीं, ठीक है। अब हम कुछ प्रोजेक्ट लगा के इन मामलों को सीधा लेके चलते हैं, कम से कम हमारा माल तो छोड़ दें, कम से कम हमारा जो ड्यूटीज हैं जो कुछ भी है जो मामलात हैं हमारा माल तो छोड़ें कम से कम। चलो जी हम इधर से तो लड़ रहे हैं तो इधर से अपना काम पूरा करें, इस तरह कर ले। मतलब एक जगह एनर्जी क्राइसिस भी है, दूसरी जगह आप माल को रिलीज भी नहीं कर रहे, तो कम से कम किसी एक तरफ से तो रिलीज दे। इधर से अगर माल छूटेगा, इधर रेट कम होंगे, रेट नीचे आएगा, हर कंज्यूमर लगवाएगा, तो आप यकीन करें कि अजीब एबनॉर्मल फिजा है कि रेट गर्मी से ज्यादा है और खरीदार भी नहीं है। ये भी आपको मैं काम की बात बताऊं कि खरीदार भी नहीं है, खरीदार भी नहीं है और रेट रोजाना ऊपर जा रहा है। तो ये एक अजीब सी, एक तो होता ना कि तेजी के अंदर बहुत सारा बायर ज्यादा हो, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर गैप है, तो आदमी बोलता है रेट बढ़ गया। तो अब यह है कि यहाँ क्या है कि वो सप्लाई भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है, बस रेट बढ़ रहा है। तो ये बीच का एक अजीब सी एबनॉर्मल फिजा है। तो आप आए बिल्कुल वीडियो बनाने, तो मैं आपको शुरू में यही कहा कि मैंने कहा माल तो कुछ है नहीं, वीडियो में हम बताएंगे क्या। तो मैंने लेकिन मैंने कहा जरूरी है कि माशाल्लाह आपके चैनल पे मेरी वीडियो बहुत सारे लोग लाखों में व्यूज आते हैं, तो लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो बताना हमारा काम है। जाहिर सी बात है, सदर आना जाना, ट्रैफिक है, पेट्रोल है, सारी चीज़ें हैं, तो आदमी को अगर कोई आगाही उसको यूट्यूब के थ्रू मिल जाए तो उसके कोई रहनुमाई हो जाती है। तो अभी तो पोजीशन ये है, तो उसके बावजूद भी हम बैठे हैं लगे हुए, जो माल हाजिर में जिस तरह जिसकी जो जिस तरह सेटअप जो लग सकता है उसको लेके चल रहे हैं अभी अपने साथ। और दिली ख्वाहिश और गुजारिश यही है कि माल को हमारे रिलीज़ किया जाए, तो जो सख्तियाँ थोड़ी सी हैं क्योंकि एनर्जी क्राइसिस का सामना है। आप हमारा माल छोड़ेंगे तो ये एनर्जी क्राइसिस दूर होगा, जिसकी सकत है वो लगवाएगा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई डीसी कोई एसी, कोई दो बल्ब कोई दो पंखे, ज़रूरी नहीं हर आदमी एयर कंडीशन सोलर पे चला ले। जिसकी जितनी सेटिंग बनेगी उस हिसाब से जितना इसका यूज है, इंशाल्लाह हम वहाँ तक जाएंगे। तो अगर हम रिलीफ कैसे दें कंज्यूमर को, हमारा ही अपना माल पीछे फंस गया, एक एक इंपोर्टर करोड़ों रुपये डैमेज दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है, हम कैसे रिलीफ दे दें, हमारे पास माल ही नहीं, हम खुद खाली हैं। तो आप बेशुमार वीडियो पहले बनाई, आपने माल पहले भी देखा, सारी चीज़ें देखी, अब आपको खाली दीवारें भी नज़र आ रही हैं, दिखाएं खाली दीवार, देखें आपने इस आपकी पहली वीडियो में कभी इसके पहली वीडियो में इस तरह की खाली दीवारें आपको यहाँ नजर नहीं आई, माल ही नहीं है। मतलब इंपोर्टर को फ़ोन करो वो फ़ोन नहीं उठाता, किसी को एडवांस भेजो वो एडवांस नहीं लेता, तो किसी से कहो कि ठीक है तुम्हारा आने वाला माल है थोड़ा सा वो हमें दे दो, तो उसकी हामी नहीं भरता। तो अजीब एक ब्लैक मेलिंग चल रही है, समझ लें कि इस टाइम ब्लैक मेलिंग चल रही है कि माफिया सरगर्म है। तो जिन कमेंट्स पर मैं एतराज़ किया करता था पहले कभी, कि लोग यार ऐसे कमेंट कर देते हैं, मतलब हम तो उस माशा हम उस टीम का हिस्सा नहीं है, ठीक है वो तो मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन ठीक है लोगों का कहना सही था। फिर जो लोग कमेंट में लिखते थे कि जी ये माफिया है ये खुद रेट बढ़ाता है, ठीक है आज वो माफिया सरगर्म है, जिनके पास माल है तो वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं, रखे हुए माल पे खुद पैसे बढ़ जाते हैं, उन्होंने बेचना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चाहिए अथॉरिटी को भी चाहिए कि जिस तरह चीनी के गोदामों पर और ये आटे के गोदामों पर जिस तरह छापे मारते हैं, इस तरह सोलर के गोदाम भी हैं बहुत सारे गुलबई के ऊपर, मैं तो एड्रेस भी बता रहा हूँ, बहुत सारे गोदाम हैं गुलबई के ऊपर। तो यहाँ पे भी जाए तो यहाँ पे भी बात करें, उनकी इनवॉइस चेक करें कि इनकी डेट ऑफ इंपोर्ट क्या थी, इन्होंने मंगाया किस दिन माल है और अब तक बेचा क्यों नहीं, तो इसका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखें ये एक्शन लेंगे तो पब्लिक को कुछ रिलीफ मिल जाएगा, वरना ठीक है आप और हम फिर 120 अगली वीडियो अल्लाह ना करे 120 रुपये पर वाट की ना बन रही हो, अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो। हमारे पास इतलात हैं, बहुत सारा माल बहुत सारे लोगों के पास है, जिस तरह चीनी के गोदामों पर आप लोग छापा मारते हैं, जिस तरह आटे के गोदामों पर मारते हैं, और इस तरह की अजनास के ऊपर जब छापा मारते हैं बाद में पब्लिक को उसका रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता जो भी है, तो इस तरह भी आप इन गोदामों पे भी छापे मारें, उनकी इनवॉइस चेक करें, इन्होंने माल मंगाया कब था, जून जुलाई अगस्त की इनवॉइस है, माल क्लियर हुआ हुआ है वो नहीं बेच रहे, तो ये सारी चीज़ें जब स्टॉक होंगी परेशानी सामने आएगी सबके। तो ये देखें तो इसके अंदर ये एक माफिया शामिल है, तो इसको देखना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको बाउंड करना चाहिए कि भाई आपने अगस्त से इम्पोर्ट करके अपने पास रखा हुआ है, आप मार्केट में क्यों नहीं दे रहे इस माल को, क्यों रखे रखे माल के, मतलब 68 रुपये 70 रुपये 72 रुपये पर वाट का माल लिया हुआ लोग आज 85 रुपये पर वाट बेच रहे, होलसेल दे रहे हैं 85 रुपये। तो आप देखें ना, मतलब प्रॉफिट का कोई दायराकार भी है कि नहीं है, प्रॉफिट का कोई हजम कोई दायराकार कोई इस तरह की चीज़ है कि नहीं है, कोई उसको तय करने वाला है या नहीं है, मतलब जो भी जिसको बोलो वो पैसे दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर ज़रूरत है हम लोगों को काम करने की, यही ये सारी पोजीशन है मैंने आपको बता दी। हुकूमत ही अगर कोई रिलीफ दे दे वहाँ से माल छोड़े तो कुछ इम्पोर्टर्स का दिमाग ठीक हो जाए। तो आप यकीन करें इस टाइम कस्टमर तो है नहीं, सिर्फ इम्पोर्टर और कुछ बड़े दुकानदार वो आपस में मिलके वही ये काम कर रहे हैं कि उसने उससे माल खरीद लिया उसने उससे खरीद लिया, लोग आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और मतलब एक जुए की सी कैफियत है, जुआ चल पड़ा है सोलर के काम में, एक जुआ शुरू हो गया
मार्केट की कोई रियलिटी नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। एक दिन खबर आती है जी एकदम 68 रुपए हो जाएगा, ज्यादा माल मत रखना। एक दिन खबर आती है जी 150 रुपए पर वाट हो जाएगा, भर लो। तो अजीब सी कैफियत है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में नॉर्मल कंज्यूमर क्यों आएगा यहाँ पे, क्यों लगवाने आएगा? उसको रेट ही नहीं, वो यहाँ से रेट लेकर गया हुआ 75 के 76 के, अब लेने आता है 89 के रेट में, वो क्यों आएगा? वो एक देखें, जब आदमी, मैं एक चीज़ कोई 3000 रुपए की पूछ के आया हूँ, जब मैं लेने जाता हूँ, अगर वो 3100-3200 रुपए की मिलती है तो ठीक है, मैं माइंड बना लूंगा। लेकिन अगर वही चीज़ 6500 रुपए की मुझे कोई देगा तो मैं खाली हाथ ही वापस आना है, मैंने लेके नहीं आना, क्योंकि डबल का फर्क आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि इन गोदामों में कितना माल है, इनकी इनवॉइस कब है, उन्होंने इम्पोर्ट कब किया था, अब तक बेचा क्यों नहीं, जब डिमांड है मार्केट में, डिमांड है, उन्होंने क्यों नहीं बेचा, ये उनसे सवाल करना चाहिए, ताकि हम रिटेलर्स को भी कुछ रिलीफ मिले और हम कंज्यूमर को आगे रिलीफ को इसको कन्वर्ट कर सकें।